हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उमेश यादव है। फ्रेंड, जब से बजट में अनाउंसमेंट हुआ है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का, तब से आप लोग में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं काफ़ी डर गए हैं और बहुत सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें लागू होगा क्या। और तो इस सब चीज़ों को लेकर के मैं एक डिटेल आपको वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आपको सभी डाउट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो NRA है वो क्या है, CET एग्ज़ाम ये सब जो होने वाली है वो क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको फ्रेंड एक बात बता रहा हूँ, डरने की आपको कोई बात नहीं है। जो CET जो होने वाला है, अभी बजट में इसका प्रपोजल आया है, प्रपोज किया गया है। अभी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जो आने वाला है, SBI है, IBPS है, उसमें RBI असिस्टेंट अभी आ गया है, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, SSC यानी 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाली है इसमें ये लागू नहीं होगा। आगे इसके बारे में हम कुछ डिटेल बातें करते हैं। देखिए, अभी वही मैं आपको बताया कि बजट में इसका सिर्फ आपको अनाउंसमेंट हुआ है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इसको प्रपोजल आया है कि इसको सेट किया जाएगा। बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, इसके बारे में आगे हम डिटेल बात करेंगे कि क्या है। तो अभी आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है ये लागू नहीं होगा। देखिए, अगर ऐसा होना रहता तो IBPS जो बोर्ड है अभी कैलेंडर अपना रिलीज कर दिया है, SBI जो क्लर्क है नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो गया है, RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो गया है, SSC का कैलेंडर भी आ गया है। तो ये सब एग्जामिनेशन जो है जो इस बोर्ड के थ्रू होने वाली है यहाँ पर लागू नहीं होगा। अगर लागू होना रहता तो कैलेंडर रिलीज नहीं होता। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप एकदम फेयरलेस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और इसके बारे में बिल्कुल आप नहीं सोचिए। और जो CET होने वाला है एक अच्छा है, इसमें अगर आपको आने वाले टाइम में इस एजेंसी सेट होती है, एग्ज़ाम होता है, तो काफ़ी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो आप बिल्कुल बस अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए, इसके बारे में बिल्कुल आप नहीं सोचिए। जो भी आपके सामने एग्ज़ाम है उसके बारे में आप ध्यान दीजिए और उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बारे में ही सोचिए। बाकी सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती है और इसका जो भी हुआ है वो आने वाले टाइम में इसका जो भी इफेक्ट होगा वो आपके सामने जरूर आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्या हुआ है। तो मैंने आपको जैसे बताया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ था उसका कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट दिया है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ के मैं बताता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी है, जो निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बजट में प्रपोज किया कि नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है वो सेट किया जाएगा। कैंडिडेट की जो नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है उसके लिए भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होती है मल्टीपल एजेंसी जो है एग्ज़ाम डिफरेंट पोस्ट के लिए कंडक्ट करती है, सिमिलर पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट को काफ़ी टाइम भी लगता है और इसमें मनी वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंड होता है यंग पीपल के लिए जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो इन्होंने यही बजट में बताया कि अगर एक एजेंसी इस टाइप का सेट हो जाता है तो ये सब चीज़ें से आप लोग बच सकते हैं। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाल सेटअप किया जाएगा, इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड जो होगा ये करेगा, एग्जाम कंडक्ट करेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एक एग्ज़ाम होगा, रिक्रूटमेंट टू नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए होगा। आगे देखें कौन कौन से आते हैं नॉन गजेटेड पोस्ट में। गवर्नमेंट विल सेटअप अप ए टेस्ट सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करेगी, आपका जो सेंटर है उसको सेट करेगी। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में होगा। अभी आपको इस बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, ये सब चीज़ें होने में काफ़ी टाइम लग सकती है। और गवर्नमेंट ने ये किया है कि टेस्ट जो सेंटर है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट से बाहर आने में उनको काफ़ी पैसे वगैरह का जो लगता है तो वो डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगा इस टाइप का टेस्ट सेंटर, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसे काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपको इसमें पॉजिटिव इसको लेके चलना है। और अभी तो इसको सेट होने में टाइम लगेगा, अभी आपके पास सामने जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको आप सिलेक्शन ले लीजिए, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए, इसमें जो भी एग्ज़ाम है बैंक के, तो एग्ज़ाम आएंगे जो करेंटली SSC होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के होता है, पब्लिक सेक्टर जो एग्ज़ाम होती है और रेलवे, ये तीनों एग्ज़ाम इसमें होगा CET के थ्रू। जो नॉन गजेटेड जो पोस्ट है जॉब का वो होगा, जैसे आपको SSC में CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, GS एग्जामिनेशन होता है, रेलवे में ग्रुप डी होता है, NTPC, यानी जितने सारे नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए जो होता है, बैंक में क्लर्क वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें के लिए आपको एक CET एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, वो आपके लिए स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। आने वाले टाइम में इसका जो डेवलपमेंट होगा पूरा डिटेल आएगा, उसके बारे में हम डिटेल आपको वीडियो बनाएंगे। बस अभी आपको बस ये सोचना है कि अभी आपका जो सामने एग्ज़ाम है उसके बारे में सोचना है,
ये जब चीजें लागू होगी उसके बाद इसको देखा जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल बैंकिंग करियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफी हेल्प मिलेगा, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।